वेलकम फ्रेंड्स, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम रेफरेंस पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस पैरामीटर्स को हम इन आउट पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो चलिए आइए अब इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Reference parameters are also called in-out parameters because you pass a reference address of the location, so you pass an input value and get an output value from that function. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि reference parameters को हम in-out parameters भी कह सकते हैं, क्योंकि reference parameters में क्या है, हम reference as a location उसका address pass करते हैं। Next point, you cannot pass an uninitialized reference parameters into a function. अब आपको याद होगा अपने पिछले ट्यूटोरियल में हमने आउट मॉडिफायर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था कि अगर हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते थे तो भी हमारा प्रोग्राम चल जाता था, कोई एरर नहीं आती थी। पर रेफरेंस पैरामीटर में क्या है, अगर हम कोई वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो हमारे पास एरर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, C# uses a keyword ref for the reference parameters. जो C# है इसमें reference parameters के लिए हम ref keyword का यूज करते हैं, जैसे कि out modifier में हम out keyword का यूज करते थे। Next point, you also have to use keyword ref with an argument while passing it to a function demanding reference parameter. अब जैसा कि out parameter में भी क्या था कि variable से पहले यानी function की calling के time पे और receiving के time पे हम उसको मतलब आउट मॉडिफायर से स्पेसिफाई करते थे, उसी तरह रेफरेंस पैरामीटर में हम रेफ कीवर्ड के साथ इसको स्पेसिफाई करेंगे। यू डू एनी चेंजेस टू द वेरिएबल्स दे विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वेरिएबल्स। अगर आप कोई भी चेंज करते हो अपने वेरिएबल में हटके तो वो आपके आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए आए, उसको मैंने 3 वैल्यू असाइन करवा दी। आपको याद होगा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में यहाँ पे वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई थी, पर ये हमारा रेफरेंस पैरामीटर है तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू असाइन करवा दी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक रेफ टेस्ट मेरा फंक्शन लिया और उसमें मैंने आई को पास किया और उसके आगे मैंने रेफ कीवर्ड लगा दिया, जिस तरह से हमने आउट मॉडिफायर में आउट कीवर्ड का यूज किया था। उसके बाद मैंने राइट लाइन मेथड की हेल्प से वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया और देन मैंने रीड लाइन मेथड का यूज़ किया अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरा रेफ टेस्ट फंक्शन है इसमें मैंने एज अ रेफ इंट val1 जहाँ पे मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, और यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशंस की है कि जो मेरी val1 की वैल्यू है उसमें 2 इंक्रीमेंट होके मुझे मिल जाए। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो आई की 3 वैल्यू है यहाँ पे गया कंट्रोल, जब इसकी कॉलिंग हुई तो फंक्शन की बॉडी में गया, यानी 3 + 2 हमें हमारी फाइनल आउटपुट क्या है 5, तो वो कंट्रोल बैक यहाँ पे मेन के अंदर गया और वैल्यू ऑफ आई इज 5 हमें एज आउटपुट मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इसे रन करके देख लेते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी आउटपुट है वैल्यू ऑफ आई इज 5। अब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ और इसे रन करके देखते हैं। डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ एरर आई है। तो वो क्या है कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल आई, यानी आई को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है अगर हम उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आई की वही वैल्यू दे देती हूँ। अब इसे सेव करके फिर से डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो पहले मैं क्या करती हूँ डिबग पे जाके, तो ये क्या है कि वैल्यू ऑफ आई है जो प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने क्या किया, रेफरेंस पैरामीटर के बारे में देखा कि रेफरेंस पैरामीटर क्या होते हैं और उन्हें हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।